ये मैंने गाना गाया था और उसको मोबाइल से, कीपैड वाला मोबाइल था मेरे पास, तो उसमें मैंने रिकॉर्ड किया। फिर मैंने सुना तो मुझे लगा यार ये तो सेम जा रहा है, लोगों को सुनाया किसकी आवाज है, तो उन्होंने बताया कि उदित नारायण जी की आवाज है। करते क्या है वैसे आप? वैसे तो मैं खेती बाड़ी करता हूँ और बाकी मैंने बहुत से काम किए हैं, पेंटिंग का काम किया है ना, और ये जो राजगिरी में हेल्परिंग होती है वो भी मैंने की है, तो बहुत से, और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की है, तो बहुत से काम मैंने। पहली बार कब आपको पता चला कि आपकी आवाज उदित नारायण जैसी ही है? बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी जी। परिवार तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन मेरा परिवार है। अरे ये धरती चांद सितारे, ये नदिया पवन घटारे। नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप, आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज। आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने वाले हैं जिनकी आवाज लोगों के दिलों में राज करती है, और आपको बता दें ये एक ऐसे शख्स हैं जो हूबहू उदित नारायण जी की तरीके से गाते हैं, और इनको लोगों की जवान के द्वारा जूनियर उदित नारायण के नाम से भी जाना जाता है। फेसबुक, यूट्यूब और भी सोशल मीडिया के माध्यम से इनके गाने काफ़ी वायरल हो चुके हैं, और इन्हें उदित नारायण के गानों से जो पहचान मिली है उसके बारे में ये क्या सोचते हैं, ये क्या कहते हैं और कैसा रहा इनका सफ़र, इस बारे में आइए कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका हमारे खबरदार न्यूज़ पर, स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी दर्शक, जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सभी को तहे दिल से, हृदय से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपका परिचय आपके शब्दों में जानना चाहूँगा। जी मैं वैसे तो मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ जी, लेकिन ये भगवान ने मुझे ऐसा टैलेंट दिया है जी, तो ये मुझे कहीं नहीं लगता है कि मैं गरीब हूँ जी, और मैं इस टैलेंट के बलबूते पे सब कुछ कर सकता हूँ जी, और मेरा बस यही, जैसे कि हमारे भैया अविनाश तिवारी जी जो सोचते हैं कि गरीबों की मदद करें, किसी के काम में आए ना, वो मेरा भी सोचना है, और मैं भी अगर कुछ बन गया और तो मैं भी हेल्प करता रहूँगा जी। और एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में आज के दौर में वायरल होना कोई बहुत बड़ी बात या अचानक से होने वाली घटना भी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि अनवरत कार्य करने के बाद ही इस प्लेटफॉर्म पे सफलता मिलती है। वो अलग बात है कि वो सफलता रात को कभी हम सोते हैं और सुबह जब देखते हैं तो हमारे दर्शकों की, हमारे फॉलोवर्स की बाढ़ आ जाती है। तो जब सफ़र शुरू किया तो ऐसा कौन सा गीत था जिस गीत की वजह से आपको ये ख्याति मिली, उस गीत के कुछ अल्फाज आप सुनाएं हमें दर्शकों। जी जी बिल्कुल, एक गाना था ये धरती चांद सितारे जी, जो सबसे पहले साहिल भाई जी ने मौका दिया मुझे गाने का, और मैंने गाया और उन्होंने अपने चैनल पे इस गाने को डाला था जी, तो वो गाना सबसे पहले वायरल हुआ था जी, उसके इस तरीके से जी। आरे 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 ये धरती चांद सितारे, ये नदिया पवन घटारे, मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे। और जब सफर की शुरुआत हुई थी तो परिवार का क्या रिस्पॉन्स था? परिवार आपका साथ देता था या समाज आपका साथ देता था कि नहीं देता था? जी परिवार तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा दुश्मन मेरा परिवार है, और मुझे इस लाइन में कभी नहीं देखना चाहता जी, और कभी इस चीज़ में कभी सपोर्ट नहीं मुझे मिलती घर से, लेकिन मैं एक बीड़ा उठाया है कि कोई ना मुझे सपोर्ट करे, लेकिन मैं आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, और जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं ये कोशिश करता रहूँगा। करते क्या हैं वैसे आप? वैसे तो मैं खेती बाड़ी करता हूँ और बाकी मैंने बहुत से काम किए हैं, पेंटिंग का काम किया है ना, और ये जो राजगिरी में हेल्परिंग होती है वो भी मैंने की है,
तो बहुत से, और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की है, तो बहुत से काम मैंने। और गाने का ख्याल कैसे आया और कब आपको पता चला कि आपकी आवाज़ हूबहू उदित नारायण जैसी है? वैसे तो एक साल से मैं अच्छे से मतलब ट्राई कर रहा हूँ, बाकी 9 साल का था तभी से मैं गा रहा हूँ और गलियों में गुनगुनाता हूँ तो लोग मतलब सुनते हैं, है ना, तो बस यही। पहली बार कब आपको पता चला कि आपकी आवाज़ उदित नारायण जैसी ही है? सबसे पहले तो जब मैंने एक हमारे यहाँ पे एक जैसे कि हॉल था जी, है ना, तो वहाँ पे कोई जाता आता नहीं था जी, तो हम वहाँ पे जाकर गाते थे तो वहाँ पे जो ईगो होता था वहाँ में गाने में अच्छा लगता था, तो एक गाना मैंने गाया था, बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी, थोड़ा सा गुनगुना भी दीजिए। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम आ मेरी जिंदगी, हो आना ही पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी। ये मैंने गाना गाया था और उसको मोबाइल से, कीपैड वाला मोबाइल था मेरे पास, तो उसमें मैंने रिकॉर्ड किया, फिर मैंने सुना तो मुझे लगा यार ये तो सेम जा रहा है, लोगों को सुनाया किसकी आवाज़ है तो उन्होंने बताया कि उदित नारायण जी की आवाज़ है, तो मैं सोचने लगा कि आखिर क्यों ना, और फिर मैंने यूट्यूब पे देखा कि काफ़ी लोग कुमार सानू जी की मिमिक्री कर रहे हैं, उदित नारायण जी को मैंने सर्च किया तो वहाँ पे शायद एक ही बंदा था जिसको मैंने देखा था लेकिन प्रॉपरली वो भी नहीं बैठ रहा था, है ना, तो फिर मैंने ट्राई किया, मैंने कहा हम उदित नारायण जी को अपना गुरु बनाएंगे और इनको ही हम सुनेंगे, इनको ही सीखेंगे। और आपने उदित नारायण जी को गुरु बनाया है, जब लोग कहते हैं कि आपकी आवाज़ उदित नारायण जैसी है तो कैसा फील होता है, क्या लगता है? मुझे बहुत खुशी होती है कि एक उदित नारायण जी के जब हम गाने सुनते हैं तो एकदम से हम दिल से एकदम से फीलिंग में आ जाते हैं और उनकी आवाज़ जो है एकदम से नेचुरली है और हरी भरी चीज़ों को दर्शाती है, तो उनके गाने जब कोई कहता है कि आपकी आवाज़ उदित नारायण, तो मैं भी भगवान का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे अनमोल तोहफा दिया। और आप उदित नारायण जी के बड़े बेहतरीन फैन भी कहे जा सकते हैं, बड़े बेहतरीन सपोर्टर या फॉलोवर्स भी कहे जा सकते हैं, आप उन्हीं के गानों को गाते हैं अक्सर, अगर सपोज दैट कि आपके सामने कभी उदित नारायण जी आ जाएं, तो क्या कहना चाहेंगे उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो उनको प्रणाम करूंगा जी और बस उनसे आशीर्वाद मांगूंगा ताकि मैं भी उन्हीं के जैसा और भी अच्छा करने की कोशिश करूं, है ना। और अगर हमारे चैनल को उदित नारायण जी देखते हैं तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? बस सबसे पहले तो उनसे जब मुलाकात होगी तो मैं आशीर्वाद जरूर उनका लूंगा और निरंतर इसी तरह आगे बढ़ता रहूंगा। YouTube, Facebook या फिर सोशल मीडिया पे आप किस नाम से जाने जाते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी मेरा चैनल है उदित लालाराम सिंगर के नाम से। जी जी वही YouTube पे चल रहा है। और लगातार YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप उदित जी के गानों को अपनी आवाज़ देने का अच्छा प्रयास करते रहते हैं और लोगों के द्वारा पसंद भी किया जाता है। आपसे मिल करके काफ़ी अच्छा लगा। अंत में जाते जाते हम आपकी सुरीली आवाज़ में कोई उनका गाया हुआ एक और गीत सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। तो ये थे हमारे साथ जूनियर उदित नारायण, लाला उदित नारायण जी, जिन्होंने अपने इस छोटे से सफ़र, जिसे अभी मंजिल तक जाना बाकी है, अपने इस छोटे से सफ़र के बारे में काफ़ी कुछ बातें आपको बताई और हम उम्मीद करते हैं कि इनकी आवाज़ आपके कानों को पसंद आएगी और इनकी ख्याति उदित नारायण जी की तरीके से भविष्य में फैले। हम ऐसी शुभकामनाएं आपको देते हैं और साथ ही साथ यह शुभकामनाएं भी देते हैं कि जल्द ही आपकी मुलाकात उदित नारायण जी से हो और आप अपने दिल की बात अपने जुबान से, अपने सुरीले स्वर में उनसे कह पाएं। देखते रहिए खबरदार न्यूज़। नमस्कार, धन्यवाद।